हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ पोटेंशियली वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशन दैट नेवर केम टू बी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो ना किसी देरी के। दोस्तों, पहली इन्वेंशन का नाम है ग्लोबल वायरलेस पावर। इसको इन्वेंटर जो थे वो निकोला टेस्ला थे। निकोला टेस्ला जो है वो एक सर्बियन इन्वेंटर है। इनको क्रेडिट दिया जाता है काफ़ी लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस में, जिसमें करंट भी इंक्लूड है। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट आइडिया जो अनफॉर्चुनेटली कभी सामने आया ही नहीं, ये इन्वेंशन कभी सामने आ ही नहीं। जो टेस्ला थे उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने प्लान किया है एक लो कॉस्ट ग्लोबल पावर और कम्युनिकेशन सिस्टम। इन्होंने ये क्लेम किया कि इस सिस्टम से ये अलाउ होगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की ट्रांसमिशन होगी वो विदाउट वायर्स होगी एक ग्लोबल स्केल पे, और जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो अलाउ होगा एक पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग। इसका मतलब ये है कि इस इन्वेंशन की मदद से जो ब्रॉडकास्टिंग है और टेलीकम्युनिकेशन है वो वायरलेस हो सकती थी। इन्होंने ये जो आइडिया है ये पब्लिशली मिड 1890s में बताया था, और 1900 की एंड तक इनको एक सिक्योर्ड फंडिंग भी हो गई थी जेपी मॉर्गन के ज़रिए। हाउएवर, ज़्यादा काफ़ी रीजंस की वजह से और इंक्लूडिंग मॉर्गन को फंड वापसी करने के रीज़न से इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया गया 1906 में, और फिर कभी नहीं खोला गया। और दोस्तों, इसके बाद आता है क्रोनोविजन। दोस्तों, 1972 में एक इटालियन न्यूज़पेपर ने पूरे वर्ल्ड को शॉक किया कि उन्होंने डिटेल पब्लिश की कि उनके पास एक सीक्रेट मशीन है जो कि रोम में है, जिसको क्रोनोविजन कहा जाता है। ये मशीन जो है वो यूज़र को पास्ट दिखा सकती है। ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि ये मशीन अलाउड करती है प्राइस्ट और ऑफिशियल्स को कि वो जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देख सकते हैं जो पास्ट में हुए थे, इवन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ जीसस। इनके जो इन्वेंटर थे वो थे फादर पेलेग्रिनो, मारिया एर्निटी, और इन्होंने इस इन्वेंशन को 1950 में बनवाया था। जो फिजिस्ट हैं एर्निटी, वो बाद में प्राइस्ट बन गए थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन अपने साथ वेटिकन ले गए थे। कोई प्रूफ ना मिलने के चक्कर में लोगों ने ये बिलीव किया कि ये जो मशीन है ये आज भी यूज़ हुई जाती है एक वेटिकन के वॉल्ट में। और दोस्तों, इसके बाद आता है स्टारलाइट। दोस्तों, की जो इन्वेंशन है वो केमिस्ट या साइंटिस्ट ने बनाई। स्टारलाइट उनमें से एक है जो कि एक हीट रेजिस्टेंट मैजिकल मटेरियल है, और इसको जो है एक केमिस्ट और हेयर ड्रेसर मॉरिस वॉट ने बनाया 1980s में। ये मटेरियल के बारे में बताया जाता है कि ये एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त करने के वो रखती है, काबिल रखती है, और इसी के साथ अपने जो पर्सन है उसको प्रोटेक्ट रखती है। वॉर्ड ने बताया कि स्टारलाइट जो है वो लेज़र बीम की जो वो है हीट है उसको बचाने के लिए, उस पर्सन को बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही ब्लो टॉर्च के बर्न होने से ह्यूमन हैंड को बचाती है क्लोज रेंज में। वॉर्ड की जो डेथ है वो 2011 में हो गई थी, और ये सीक्रेट जो था स्टारलाइट का वो इनके साथ ग्रेव में चला गया था। लेकिन एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस
प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका है इन्होंने अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बताया था, लेकिन स्टिल इस प्रोडक्ट को बनाने के कोई भी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। और दोस्तों इसके बाद कहानी आती है फ्लेक्सिबल ग्लास की। जो फ्लेक्सिबल ग्लास है वो कहा जाता है कि रोमन एम्पायर टाइबरियस सीजर के जो दौर है बिटवीन 14 to 37 AD में इन्वेंट हुआ गया था। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक क्राफ्टमैन ने ग्लास का कप सीजर को दिया था और सीजर ने ड्रिंक करने के बाद इस ग्लास के कप को ज़मीन पर फेंका, लेकिन जो ग्लास थी वो टूटी नहीं, वो ग्लास सिर्फ और सिर्फ एक डेंटेड आया जिसको क्राफ्टमैन ने वो हथौड़े मारकर ठीक कर दिया। सीजर ने जो मास्टर क्राफ्टमैन उससे पूछा कि इसने इस सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन के बारे में किसी को बताया तो नहीं है, जिस पे उस क्राफ्टमैन ने कहा नहीं। तो जो सीजर है उसने इमिजिएटली ऑर्डर किया कि इस बंदे को मार दिया जाए और उसकी वर्कशॉप को वो जला दिया जाए ताकि ये जो सीक्रेट ऑफ मिरेकुलस प्रोडक्ट है उसको किसी के साथ भी शेयर ना किया जाए। अब ऐसा सीजर ने क्यों किया लोगों को आज तक नहीं पता चला। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सीजर जो था वो डर गया था, वो खौफ ज़दा हो गया था कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड गोल्ड या फिर कोई और मटेरियल से ज़्यादा ना हो जाए। और दोस्तों इसके बाद आता है द पैलेडियम सिगरेट। पैलेडियम सिगरेट को वो एक्स ए सिगरेट भी कहा जाता था, जो कि लेजिट माइट्स ने 1950 में बनाई थी। ये सिगरेट वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेगुलर सिगरेट के उनको रिड्यूस करा जाए, जिसकी वजह से आदत ख़राब होती है और इस सिगरेट की वजह से वो जानलेवा बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। और इसके बाद स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो सिगरेट कंपनी है इसने अपनी तरक्की के लिए $10 million खर्च करे थे अपनी रिसर्च के लिए, अपनी तरक्की वगैरह के लिए, लेकिन एवेंचुअली इस प्रोडक्ट को अबेंडन कर दिया गया। इसकी वजह से, इस डर की वजह से काफ़ी सिविल लॉ सूट्स आ रहे थे अगेंस्ट सेलिंग द अनहेल्दी सिगरेट। ये भी सस्पेक्टेड किया जाता है कि लेजिट मायर्स जो थे वो एक रैंक भी वो ब्रेक नहीं करना चाहते थे दूसरी लार्ज टोबैको कॉरपोरेशन के साथ, जैसे कि उस वक्त की बेंसन और हेजिस, जिसके साथ वो फोर्स में भी रह चुके थे। और इसी के साथ साथ जो लेजिट मायर्स थे उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी बाद में। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी इन्वेंशन आपको सबसे अच्छी लगी और किसकी वजह से ये वर्ल्ड एक अलग लेवल पर जा पाता। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।